हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मिंग मंसूरी चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं सिजेंटा कंपनी की ओर से आने वाले प्रोडक्ट एम्प्लीगो इंसेक्टिसाइड के बारे में। इसमें हम जानेंगे इसके अंदर मिलने वाले कंटेंट के बारे में, कौन कौन से टेक्निकल हमें इस प्रोडक्ट के अंदर देखने को मिलने वाले हैं, उनका किस तरीके से काम करने का तरीका है, कौन कौन से इंसेक्ट को यह कंट्रोल करते हैं, और बात करेंगे इसके डोज के बारे में, प्राइस के बारे में, किस समय पर हमें इसका इस्तेमाल अपनी फसलों में करना चाहिए, कौन कौन सी फसलों में इसका इस्तेमाल करना चाहिए, कितने टाइम तक के हमें इसके रिजल्ट मिलने वाले हैं। तो बात करेंगे इसके बारे में विस्तार से, बने रहें वीडियो में लास्ट तक ताकि आपको पूरी जानकारी अच्छे से मिल सके। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी ऑन कर लें ताकि आपको आने वाली वीडियो समय पर मिलती रहे, क्योंकि हम इस चैनल पर खेती संबंधी वीडियो लाते रहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी किए। दोस्तों, एम्प्लीगो सिजेंटा कंपनी की ओर से आने वाला एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम कॉन्टैक्ट प्लस सिस्टमिक इंसेक्टिसाइड है, जिसके अंदर आपको क्लोरेंटा नीलिप्रियोल 9.30% प्लस लैम्डा साइलोथ्रीन 4.60% जेटसी फॉर्म में देखने को मिलने वाला है, जिसकी वजह से इस दवाई के अंदर हमें बहुत छोटे छोटे कैप्सूल के रूप में यह दवाई देखने को मिलती है, जो कि हमारी फसलों में स्प्रे करते ही तुरंत ही काम करना शुरू कर देती है। जेटसी फॉर्म बहुत ही इफेक्टिव फॉर्म होती है, जो कि बहुत ही अच्छा रिजल्ट हमें निकाल कर देती है। दोस्तों, इसके अंदर कॉन्टैक्ट प्लस सिस्टमिक एक्शन होने की वजह से जब हम इस दवाई का इस्तेमाल अपनी फसल में कर लेते हैं तो कॉन्टैक्ट एक्शन इसके अंदर होता है, जिसकी वजह से हमारी फसल में छुपे हुए इंसेक्ट जो भी इसके कॉन्टैक्ट में आते हैं उनको यह तुरंत ही ख़त्म कर देती है। इसके अलावा इसके अंदर सिस्टमिक एक्शन भी होता है, जिसकी वजह से यह हमारी फसल पर स्प्रे करने के बाद हमारी फसल के पौधों में के सिस्टम में जाकर काम करना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से हमें हमारी फसल में लंबे रिजल्ट देखने को मिलते हैं और जो भी इंसेक्ट हमारी फसल पर अटैक करता है वह धीरे धीरे ख़त्म होना शुरू हो जाता है। दोस्तों, इसके अंदर क्लोरेंटा नीलिप्रियोल जो टेक्निकल है वह कोरोजन के जो अंदर उपस्थित होता है वही टेक्निकल है, तो आपको उसी की तरह इसके रिजल्ट भी देखने को मिलेंगे, क्योंकि कोरोजन के अंदर भी यही टेक्निकल हमें देखने को मिलता है। इसके अलावा इसके अंदर लैम्डा साइलोथ्रीन होने की वजह से हमें उससे एक कदम आगे इसके रिजल्ट देखने को मिल जाते हैं। इसके अलावा बात की जाए ये हमारी फसलों में कौन कौन से इंसेक्ट को कंट्रोल करता है, तो ये हमारी फसलों में दोनों प्रकार के जो चूसने और चबाने वाले इंसेक्ट होते हैं उनको ये आसानी से कंट्रोल कर लेता है। इसके अंदर दो टेक्निकल होते हैं, जैसे कि इसके अंदर लैम्डा साइलोथ्रीन भी उपस्थित है, जो कि हमारी फसलों में जितने भी उड़ने वाले या चूसने वाले इंसेक्ट होते हैं उनको कंट्रोल करने में आसानी से कारगर होता है। दोस्तों, ये हमारी फसलों में हरी इल्ली, काली इल्ली, तम्बाकू इल्ली, कटरपिलर, एफिड, जैसिड, थ्रिप्स, पिंक बॉलवर्म और इसके अलावा फ्रूट बोरर, सूट बोरर, पत्ता लपेट, तना छेदक जैसे इंसेक्ट को हमारी फसलों में यह कंट्रोल कर लेता है। इसके अलावा यह इल्लियों से लेकर इल्लियों के अंडों तक हमारी फसलों में काम करता है, यानी हमारी इल्लियों के साथ साथ यह इल्लियों के जो अंडे होते हैं उनको भी ख़त्म कर देता है, जिसकी वजह से हमें इसके लंबे रिजल्ट देखने को मिलते हैं। दोस्तों, बात करें इसका इस्तेमाल हमें कौन कौन सी फसलों में करना चाहिए, तो आप इस दवाई का इस्तेमाल सभी प्रकार की सब्जी वर्गीय, फल वर्गीय, अनाज वर्गीय सभी प्रकार की फसलों में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। किसी भी फसल में इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता, लेकिन आप इसका इस्तेमाल ज़्यादातर सब्जी वर्गीय फसलों में करें, उनमें आपको बहुत ही शानदार रिजल्ट इसके देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा आप गन्ने की फसल में भी आप इस दवाई का इस्तेमाल कर सकते हैं, गन्ने की फसल में भी बहुत ही इफ़ेक्टिव इसके रिजल्ट देखने को मिलते हैं, तो आप गन्ने की फसल में भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और वहीं बात की जाए इसके रिजल्ट टाइम की, यानी इसके इस्तेमाल करने के बाद हमें कितनी जल्दी और कितने टाइम तक हमें इसके रिजल्ट देखने को मिलने वाले हैं, तो इसके रिजल्ट बहुत ही इफ़ेक्टिव होते हैं और बहुत ही जल्दी हमें हमारी फसल में देखने को मिलते हैं। इसके अलावा इसके रिजल्ट टाइम की बात करें तो हमें लगभग इसके स्प्रे करने के बाद 10 से 15 दिन तक के इसके आसानी से बढ़िया रिजल्ट देखने को मिल जाते हैं। बात की जाए इसकी परफेक्ट डोज के बारे में, तो आपको इसके 80 ml के पैक को 200 लीटर पानी में घोल बनाकर अपनी एक एकड़ की फसल में छिड़काव कर देना है, यानी इस दवाई का इस्तेमाल आप स्प्रे में 60 ml पर एकड़ के हिसाब से लें, और इसके अलावा अगर आप इसकी ड्रिंचिंग करना चाहते हैं तो आपको 80 ml दवाई को 200 लीटर पानी में घोल बनाकर अपने पौधों की जड़ में ड्रिंचिंग भी कर सकते हैं। और दोस्तों, बात की जाए इसका इस्तेमाल हमें कौन कौन सी स्टेज पर करना चाहिए, तो आप इसका इस्तेमाल किसी भी स्टेज पर कर सकते हैं, लेकिन आप इसका इस्तेमाल अपनी फसल में फ्लावरिंग स्टेज पर ना करें। फ्लावरिंग स्टेज पर आप इस दवाई का अवॉइड करें, क्योंकि इसके अंदर लैम्डा साइलोथ्रीन होने की वजह से
आपके फसल में फ्लावरिंग स्टेज पर अगर आप इस दवाई का इस्तेमाल करते हैं तो फ्लावर ड्रॉप की समस्या आपको देखने को मिल सकती है, तो इसलिए आप इस दवाई का इस्तेमाल फ्लावरिंग स्टेज पर ना करें। बाकी आप सभी स्टेज पर इस दवाई का इस्तेमाल कर सकते हैं। और वहीं कुछ किसान भाइयों का सवाल ये रहता है कि हमें इस दवाई का इस्तेमाल और अन्य दवाई के साथ घोल बनाकर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो वैसे तो आप इस दवाई का इस्तेमाल किसी अन्य दवाई के साथ भी घोल बनाकर कर सकते हैं, चाहे कोई इंसेक्टिसाइड हो, PGR हो या टॉनिक हो या फिर वाटर सोल्युबल फर्टिलाइज़र हो, आप उन सभी के साथ इसका घोल बनाकर छिड़काव कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों आप इस दवाई का केवल अकेले में इस्तेमाल करें, आपको इसके ज़्यादा बेहतर रिजल्ट अकेले में मिलने वाले हैं। अगर आप इसके साथ और अन्य दवाई मिलाते हैं तो आपको हो सकता है कि इसके थोड़े कम रिजल्ट देखने को मिलें, तो इसलिए मेरी सलाह है कि आप इसका सिंगल ही इस्तेमाल करें। इसके अलावा अगर आप स्प्रे करना चाहते हैं अन्य दवाई का तो दो एक दिन बाद आप इस अलग दवाई का इस्तेमाल अपनी फसल में कर सकते हैं। तो फाइनली दोस्तों बात कर लेते हैं इसके प्राइस के बारे में। तो आपको इसके 80 ml के पैक का प्राइस मार्केट में लगभग 800 से 850 रुपये के आसपास देखने को मिल जाएगा। बाकी दोस्तों प्राइस ऊपर नीचे हो सकता है एरिए के हिसाब से या फिर टाइम के हिसाब से, आप हमारी वीडियो किस समय पर देख रहे हैं। बाकी आप देख सकते हैं अपने एरिए में क्या प्राइस रहने वाला है। तो कैसी लगी आपको एम्प्लीगो इंसेक्टिसाइड की छोटी सी जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी ऑन कर लें ताकि आपको आने वाली वीडियो समय पर मिलती रहें, क्योंकि हम इस चैनल पर खेती से संबंधित वीडियो लाते रहते हैं। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।